हे दोस्तों, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से एक और बड़ी अपडेट आई है। उन्होंने एक और भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके पहले उन्होंने सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया था और आज उन्होंने स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और अन्य पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि आने वाले जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसे टाइम पर देख पाए। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि, दोस्तों जो इसके लिए आवेदन पत्र है समूह 5 के अंतर्गत जो आता है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और अन्य पदों के लिए जो स्टार्ट होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरना, वो होंगे 10 अक्टूबर से। और इसी की लास्ट डेट जो है वो 24 अक्टूबर है। आपको 15 दिन मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। यदि आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो दोस्तों आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरने की डेट से ही, मतलब कि 10 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएगा करेक्शन करना भी। ओके, और ये चलेगा 29 अक्टूबर तक। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम कब होगी। तो ये होना है 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलना है। और यहाँ पर अब फीस की बात कर लेते हैं, तो सीधी भर्ती, संविदा भर्ती दोनों के लिए जनरल कैंडिडेट, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500 है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, उनके लिए ₹250 है। और यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, तो दोस्तों आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और आपको ₹500 भरने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और सीधी भर्ती बैकलॉग पद के लिए कोई भी शुल्क एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में और भी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि जो एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक होगी और हर दिन दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होगी, जिसमें कि पहली शिफ्ट है वो सुबह 9 से 11 बजे तक होगी, मतलब कि पेपर जो होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है। और दूसरी शिफ्ट होगी दोस्तों दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक, ये भी 2 घंटे का ही होगा। और इनके लिए अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम है। जैसे सुबह 9 से 11 बजे की शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे तक रखा गया है और दूसरी शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे से 2 बजे तक रखा गया है। अब इसमें दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं वो भी। ऑनलाइन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के पोर्टल www.peb.mponline.government.in के माध्यम से भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। फर्स्ट है, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। आपके पास आधार नंबर होना चाहिए या तो कम से कम आधार रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों बात की गई है, बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आपको एग्ज़ाम देते टाइम में आपकी जो ओरिजिनल आईडी है जिसमें कि फ़ोटो भी हो, ओरिजिनल पहचान पत्र जिसमें फ़ोटो हो, वो ले जाना अनिवार्य है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, और इसके लिए आप जो आपकी जो आईडी है उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें दोस्तों वोटर आईडी हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ का आप चयन कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम में, और वही आईडी आपको, सेम आईडी जो आप चयन करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में, उसे ही एग्ज़ाम देने के टाइम में आपको एग्ज़ाम सेंटर में दिखाना होगा। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटो एक पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों आप इनमें से ज़रूर कोई ना कोई जो आपका आईडी है, परिचय पत्र है, वो ज़रूर ले जाए, अन्यथा आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। और ई आधार कार्ड दोस्तों मान्य नहीं रहता है, तो प्लीज़ ई आधार कार्ड ना ले जाए। अभ्यर्थी को, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम, अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर दूँ, यदि आप मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतलब कि अपनी जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो अपना परिचय पत्र है उसमें यदि आप
आधार कार्ड को छोड़कर अन्य कोई भी परिचय पत्र ले जाते हैं, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। इसके साथ दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड भी ले जाना कंपलसरी है। अब वो ई आधार कार्ड भी हो सकता है, या आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी हो सकती है, या आधार नंबर भी हो सकता है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, वो आधार के डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप आधार कार्ड तो ले जाना ज़रूरी ही है, या आधार कार्ड की छायाप्रति भी हो सकती है। और जब आप आधार कार्ड को छोड़कर अन्य कोई ओरिजिनल आईडी ले जा रहे हैं, तब आपको ये थर्ड पॉइंट में कंसीडर करना है, थर्ड पॉइंट को कंसीडर करना है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। मतलब कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, थंब इम्प्रेशन और आई स्कैन वगैरह सब कुछ होती है। फिफ्थ पॉइंट है, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। दोस्तों आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है, जैसे पहली शिफ्ट के लिए 7 से 8 बजे तक, तो आपको 7 से 8 बजे तक ही एंट्री दी जाएगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम में एग्जाम सेंटर में पहुंच ही जाना है। सिक्स पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स या नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। बिल्कुल आप ये सब नहीं ले जा सकते हैं। सेवन्थ पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसे आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आप उसी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले जब एडमिट कार्ड आएंगे तब एप्लीकेशन नंबर से ही डाउनलोड करेंगे, तो प्लीज़ एप्लीकेशन नंबर को संभाल कर रखें। ओके, एट है दोस्तों, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है। जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो आपको एक काला बॉल पेन ले जाना है, और परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र, प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र भी ले जाना है। तो आपको जो डाउनलोडेड प्रवेश पत्र रहेगा वो भी ले जाना है, और काला बॉल पेन ले जाना है। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब आप एक बार एंट्री कर देते हैं, आपकी एग्ज़ाम ख़त्म स्टार्ट हो जाती है, तो जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होती तब तक आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। टेंथ पॉइंट है, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पीईवी द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने ये बात कही है यहाँ पर कि एग्ज़ाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में पीईबी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर रहा है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान एक किसी भी डिपार्टमेंट में जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है, वो डिपार्टमेंट के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता पूर्णतः प्रोविजनल है, पूर्णतः अस्थायी है। जब तक आपका वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं हो जाता तब तक आप अस्थायी रूप से एलिजिबल होंगे। उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, यदि आपका मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्लीज़ करवा लीजिए, और यदि है लेकिन उसके वैलिडिटी समाप्त हो गई है तो प्लीज़ रिन्यू जरूर कराए उसे, क्योंकि ये कंपलसरी है, इन्होंने कहा है ये अनिवार्य है आपका रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में। ट्वेल्थ पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ आदिम जाति जनजाति के बारे में बात किया गया, जैसे बैगा, सहरिया और भारिया, तो इन सब के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्टीन पॉइंट है, विज्ञापन के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है। 14 पॉइंट है, यहाँ पर COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। और विशेष नोट है यहाँ पर, बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा तिथि, शहर, केंद्र एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है, ये बोर्ड का काम है। दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।